आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास निकल गया बेटा वी वन एम वन प्लस के एम टू इज इक्वल टू यू वन एम वन माइनस ई एम टू प्लस ये कितना निकला मेरे पास यू टू और यहाँ में से मैंने कॉमन ले लिया एम टू कितना बचा वन प्लस के ई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से मैंने आगे कैलकुलेशन किया वी वन इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास यू वन एम वन माइनस ई एम टू प्लस यू टू एम टू वन प्लस के ई डिवाइडेड बाई एम वन प्लस के एम टू। एक तो फार्मूला ये है जिसका आपको ध्यान रखना है, ओके, वी वन कैलकुलेट करने के लिए। आप अगर चाहो तो सिमिलरली वी टू भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सम्मिति लगा रहा हूँ और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा सिमिलरली, या मैं कैलकुलेट ही करके दूंगा। रुको आप, अगेन बाय इक्वेशन वन एंड टू अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फ्रॉम इक्वेशन टू हमारे पास जो पहले वाली इक्वेशन थी वो कितनी थी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e u1 माइनस के u2 थी। दिस इज माय इक्वेशन वन। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू थी। अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इक्वेशन नंबर वन को एम वन से गुणा किया, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई भाई एम वन, इसको मैंने एम वन से गुणा कर दिया, ओके। एंड उसके बाद की एक्शन सेकंड एक्शन बाद में लेंगे। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा एम वन से कितना निकलेगा एम वन वी टू माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू ई एम वन, कितना होगा भाई ई एम वन, ये होगा यू वन माइनस के यू टू, ओके। दिस इज इक्वेशन वन। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है भाई, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, इक्वेशन नंबर टू। मैंने दोनों को क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, एडिंग कर रहा हूँ मैं। एडिंग करने पर क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना, एम वन वी वन ये कट चुका, मेरे पास कितना बचा एम वन वी टू प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू, इधर मेरे पास कितना बचा बेटा ई एम वन यू वन माइनस के यू टू प्लस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। वी टू मैंने कॉमन ले लिया, एम वन प्लस के एम टू बचा इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा ये हुआ ई एम वन यू वन माइनस ई एम वन यू टू प्लस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। मैंने इसके अंदर से इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, जहाँ यू टू है वहाँ यू टू कॉमन लूँगा, दोनों में से यू टू कॉमन लिया इस स्टेप के अंदर से, और इस स्टेप के अंदर से मैंने यू टू कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, एक तो बचा एम टू, देखो आप, एक तो बचा ई एम वन, ध्यान से देखना है, और एक बचा मेरे पास एम टू। जैसे मैं यू टू कॉमन लूँगा कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास एम टू माइनस ई एम वन प्लस इसके अंदर से, इसके अंदर से एम वन यू वन कॉमन, कितना बचा भाई, ये बचा मेरे पास वन प्लस के ई, और इधर हुआ मेरे पास वी टू
m1 प्लस के m2। मैंने यहाँ से v2 की वैल्यू निकाली, कितनी निकल कर के आएगी, आपको भी देख रहा है, u2 m2 माइनस ई m1 प्लस m1 u1 1 प्लस के ई, और इसके बटे में कौन सा पहुँच जाएगा, m1 प्लस के m2, m1 प्लस के m2। ये आपके पास सेकंड फार्मूला होगा। ओके, यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू। इस लेक्चर के अंदर थोड़ी सी और बात करता हूँ, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी है बेटा जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, ध्यान से सुन लेना वरना आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन निकालने में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ स्फीयर, छोटा सा आर्टिकल है एक, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ स्फीयर विद ए फिक्स्ड प्लेन अगर आपके पास कोई फिक्स्ड प्लेन हो, ध्यान से सुनना क्या होगा। अगर मान लिया कोई गोला जो है किसी फिक्स प्लेन के ऊपर, जैसे गोला फर्श के ऊपर टकराता है, ओके, स्पेशली वही केस है, हमारा प्लेन फिक्स होता है, जैसे गोला छत से टकराता है, ओके, इस तरह के केस की बात कर रहा हूँ। मान लिया ये कोई फिक्स प्लेन है और गोला डायरेक्टली ऊपर से आकर के इससे टकरा, ओके, और गोला ऐसे आया, सपोज दैट, और इसका सपोज दैट इसका मास मेरे पास कितना है, m1 है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी u1 मान लो, u2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, सपोज दैट v1 मान लो, ओके, ध्यान से सुनना। तो इनके लिए दो फार्मूले होते हैं बेटा, पहला वाला फार्मूला क्या है, पहली बात तो यह है कि जो हमारा जो प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, ये तो फिक्स है। मेरे पास प्लेन के लिए क्या होगा बेटा, प्लेन की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा, प्लेन वेलोसिटी जो होगी मेरे पास, अगर मान लिया गोले की वेलोसिटी, मैंने देखो आप ध्यान से सुनना, एक तो v1 मानी है, एक u1 मान लो, सपोज दैट u1 और v1 है, तो जाहिर सी बात है प्लेन की वेलोसिटीज कितनी होगी भाई, एक तो u2 होगी और एक v2 होगी, यही होगी ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा प्लेन क्या है, फिक्स्ड है। अगर प्लेन फिक्स है तो जाहिर सी बात है u2 कितना होगा, ज़ीरो, और v2 कितना होगा, ज़ीरो। आपको ये बात याद रखनी है प्लेन फिक्स के लिए, फिक्स प्लेन के लिए भाई, जो चीज़ उसके ऊपर आ रही है उसी की तो वेलोसिटी होगी, जो दूसरा फिक्स है वो तो फिक्स है ही, उसकी तो ना इनिशियल वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी है। ये बॉल आकर के इस प्लेन के ऊपर, जैसे बॉल फर्श के ऊपर टकरा रही है, फर्श की ना इनिशियल वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी है, वो तो फिक्स है बिल्कुल, ओके। उस पोजिशन में जो उसकी जो वेलोसिटीज़ होंगी, जैसे मेरे पास बॉल है, बॉल की वेलोसिटी u1 और v1 है, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी u1 है और इम्पैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक उसी तरीके से फर्श की इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी और इम्पैक्ट के बाद u2 होगी, और इम्पैक्ट के बाद अगर उसकी वेलोसिटी v2 हो, तो ये दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट यानी ज़ीरो होती हैं, क्योंकि ये जो फर्श है या फिक्स प्लेन है कभी मूव नहीं करता, ओके। तो इस पोजिशन में हमारे पास जो लॉ होता है, हमारे पास जो नियम होता है बेटा, वो ये होगा कि क्या फार्मूला होता है भाई, v2 माइनस v1 बराबर होता है हमारे पास u1 माइनस u2। इसके अंदर करेक्शन देखना बेटा कितना होगा भाई, v2 तो ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है फर्स्ट, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ प्लेन वेलोसिटी, 0 माइनस के v1 इज इक्वल टू u1 माइनस के ये कितना, 0, क्लियर। यहाँ से मेरे पास कितना निकलेगा बेटा, माइनस के v1 इज इक्वल टू e इंटू u1,
और यहाँ से निकल गया मेरे पास वी वन इज इक्वल टू कितना निकल गया, वी वन इज इक्वल टू निकल गया कितना, ई इंटू यू वन माइनस के ई इंटू यू वन। ध्यान रखनी है ये बात, वी वन इज इक्वल टू माइनस के ई इंटू यू वन। और ये कब होगा, मैं एक सिंबल भी दे रहा हूँ, ये वेलोसिटी तब होगी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ओके, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, मैंने सिंबल दे दिया ऊपर से नीचे आ रहा है। एंड यही सेम सिचुएशन तब होगी, वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई यू वन, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये होगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये होगा अप टू डाउन, और ये होगा डाउन टू अप। ये बात याद रखनी है, क्लियर है ना। छोटे से आर्टिकल्स थे, एग्जाम के अंदर अक्सर एक एक दो दो नंबर पर पूछता रहता है। आपका कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, बस यहाँ इतना ही।